नमो बुद्धाय। हम आप सभी लोगों के जीवन में बहुत सारी कमजोरियां हैं। ये कमजोरियां हम आप सभी लोगों का जीवन में बहुत परेशान करते हैं, टेंशन दिलाता है। ये हम लोगों का जीवन में ये कमजोरियां क्या है? ये कमजोरी हमेशा हमारे मन में ही उत्पन्न होता है। ये कमजोरी क्या है? हम सभी लोगों को गुस्सा आता है। हम सभी लोगों को क्रोध आता है, और किसी को आपको गुस्सा दिला सकता है कि नहीं? जी हाँ, आपको क्रोध करवा सकता है, क्योंकि हम आप सभी लोग गुस्सा आने का स्वभाव आपके पास है। ये गुस्सा आने का तरीका और आगे बढ़ाया तो क्रोध में मन जल छल जाता है, क्रोध से नफरत तक मन बढ़ते जाता है। इसके बाद दूसरों से बदलाव लेने के बारे में, दूसरों को हिंसा पीड़ा करने के बारे में सोच के रहना पड़ता है। ये हमारा मन की क्रोध एक कमजोरी है, कोई काम का नहीं है। ये क्रोध हमेशा घटा होता है। और देखिए, हम लोग का जीवन में आशा इच्छा उत्पन्न होती है। टीवी देखने से, न्यूज़पेपर पढ़ने से, मैगजीन पढ़ने से, पिक्चर देखने से, फिल्म देखने से कई प्रकार की इच्छा उत्पन्न होता है। ये बहुत सारी इच्छाओं से सबसे ज्यादा पाप मिलता है ना। इच्छा के कारण आदमी लोग बहुत सारे पाप करते हैं। ये आसक्त के कारण एक दूसरे को कष्ट देते हैं, अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। ये इच्छा आसक्त के कारण सभी लोगों का लज्जा भय शर्म भय हट जाता है। इच्छा का नौकर होने के बाद अपने आप को भूल जाता है, पाप और पुण्य भूल जाता है। ये सारे चीज का कारण है इच्छा आसक्त होना। इच्छा आसक्त से अंध होने के बाद निरंतर दिक्कत का जीवन में फंस जाते हैं। और इस संसार के लोगों को हम लोग हमेशा फंस जाते हैं। देखिए, किसी को आकर के आपको फंसा सकता है, आपको धोखा दे सकता है, क्योंकि आप धोखा लेने के रास्ते पे हैं। जल्दी आपका मन किसी का बात में फंस सकता है, किसी को आपको डरा सकता है, किसी को आपको रुला सकता है। ऐसा कमजोरी मन सभी लोगों के पास है। ये तीन प्रकार की दुर्बल कमजोरी जब तक इंसान के पास है, आदमी पास है, तब तक कोई शांति नहीं है। हम लोगों को कभी कभी मन में आएगा शांति है, लेकिन कोई ना कोई कारण आके वो शांति नष्ट हो जाता है। क्रोध,
गुस्सा, इच्छा सक्त होना, फंसना तथा डर भय होना, ये चीज से आपका मन को हमेशा पीड़ा कष्ट मिलते रहेगा। अगर हम ऐसे ही कमजोरी कारण वाले कमजोरी आदमी को अपना नेता बना दिया तो, अपना गुरु बना दिया तो हम लोग से बहुत बड़ा गलती हो जाएगा। हम लोग से गलती नहीं होना चाहिए तो, हम लोग से मिस्टेक नहीं होना चाहिए तो आसक्त इच्छा को संपूर्ण रूप से नष्ट किए हुए, क्रोध गुस्सा को संपूर्ण नष्ट रूप से नष्ट किए हुए, डर भय मोह को संपूर्ण रूप से नष्ट किए हुए एक गुरु हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा गुरु हम लोगों को मिल गया तो, जिनका मन में कोई गंदगी नहीं है, हम लोग का जीवन एकदम धन्य हो जाएंगे। एक राजकुमार थे कपिलवस्तु में, गौतम सिद्धार्थ नाम है उनका। उन्होंने 29 साल में गृहस्थ जीवन त्याग किया, अपना मन को शुद्ध करने के लिए महावन के अंदर में जा करके कठिन दुख तपस्या करते हुए आर्य ज्ञान खोज के भटकते भटकते गया। बिना गुरु से ही उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, बिना गुरु के उपदेशों से ही उन्होंने सारे गंदगी से संपूर्ण रूप से मुक्त हो गया। वो गुरु हमारे गुरु है, हम जानते हैं, इसीलिए हम वैसे ही गुरु को शरण जाते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि बोल के। हम लोग कोई भी गुरु को शरण जाना चाहिए तो अवबोध से ही शरण जाना चाहिए। बिना ज्ञान से गुरु को शरण जाना कोई मतलब का नहीं है। लेकिन बहुत सारे मानव क्लेश गंदगी वाले गुरु ही शरण जाते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध बिना गंदगी के हैं। उन्होंने सारे गंदगी से संपूर्ण रूप से मुक्त हुए हैं। उन तथागत भगवान बुद्ध इस संसार को देख करके कभी रोया नहीं, मरने वाले लोगों के पास जा करके उन लोग साथ मिल करके रोया नहीं। दूसरा गुरु लोग जैसा उन लोग के पास जा करके साथ साथ में दुख पछताव नहीं किए हैं। भगवान बुद्ध ये रोने के लिए मदद भी नहीं किए हैं, उन्होंने आंसू पोछने का रास्ता बताया है। उन्होंने बताया ये आंसू आने का कारण है, ये आंसू आने का कारण मन में है, उसी कारण से मुक्त हो जाइए। ऐसे मुक्त हो गया तो आप कभी भी नहीं रोएंगे। आदमी का आंसू पोछने का तरीका वही है। ऐसे नहीं है तो आदमी लोगों के पास जाकर के रोने गया तो और दुख बढ़ते जाएगा। हमारा रोना, शोक, पछताव, दुख, पीड़ा नष्ट करने वाले नेतृत्व हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसा शास्त्र हमारे जरूरी है।
भगवान बुद्ध वो काम किया। भगवान बुद्ध दूसरों का आंसू पोंछने का रास्ता बताया, दुख से मुक्त होने का रास्ता बताया। इसलिए हम सभी लोगों को ऐसे ही नेतृत्व, ऐसे ही शास्त्रता बहुत जरूरी है। उन शास्त्रता लोगों का जीवन से हम लोगों को लेने के लिए बहुत सारे ज्ञान हैं। अगर वो नेता, वो शास्त्रता दिक्कत आते समय नुक जाएंगे तो, दिक्कत आके आते समय डर जाएंगे तो, दिक्कत आते समय भाग जाएंगे तो, दिक्कत के सामने अभीत निर्भय नहीं रह पाएंगे तो, वो शास्त्रता से कोई मतलब नहीं, वो नेतृत्व से कोई मतलब नहीं है। उसी नेतृत्व से कोई शक्ति नहीं मिलता है। ऐसे है तो हम लोग समझना चाहिए हमारा नेतृत्व, हमारे शास्त्रता, हमारे गुरु कोई भी दिक्कत के सामने कंपित नहीं होना चाहिए। दिक्कत आते समय चुप नहीं रहना चाहिए, दिक्कत के समय नहीं भाग जाना चाहिए, क्योंकि सत्य के सामने असत्य पतन हो जाता है, सत्य ही जीत जाता है। भगवान बुद्ध के सामने कभी भी झूठ, असत्य कभी जीता नहीं, उनके सामने असत्य हमेशा हार गया। उनका सत्य के कारण, सत्यवादी के कारण उन्होंने कभी नहीं हारा। उनके पास शक्ति था, बल था, करने का क्षमता था। आदमी लोगों को यह क्षमता है तो बहुत सारे लोग गलत काम के लिए लग जाता है, क्योंकि बहुत लोगों का मन परिशुद्ध नहीं है। भगवान बुद्ध ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध हमारे नेतृत्व, उनका मन परिशुद्ध है, इसलिए उनको हम लोग याद करते हैं। इति पिसो भगवा अरहंग, हमारे गौतम भगवान बुद्ध जी अरहंग हैं, सारे गंदगी को नष्ट किए हैं। अगर कोई कहेगा तो ऐसा, मेरा गुरु, मेरा गुरुजी, मेरा शास्त्रता उसी गुरुजी से सीखे हैं, उसी गुरुजी से पढ़ाई किए हैं, उसी गुरुजी का चेला है, इसका मतलब आपका गुरु को उतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि उन्होंने और एक गुरु से शिक्षा लिए हैं। भगवान बुद्ध की गुरु कौन है? भगवान बुद्ध की गुरु स्वयं है, खुद स्वयं अपना चिंतन लगा के, अपना ज्ञान से मनन करके अवबोध किया। उन्होंने अभी परिनिर्वाण होते हुए 2555 साल बीत गया। उनके परिनिर्वाण के 2555 साल तक ऐसे ही गुरु संसार में आज तक जन्म नहीं लिया। आज तक एक भी गुरु नहीं है दूसरा गुरु का शिक्षा बिना शिक्षा लेकर के स्वयं गुरु बने, ऐसा गुरु संसार में है ही नहीं है। कोई ना कोई गुरु से शिक्षा लेकर के, ज्ञान लेकर के गुरु बन गए सभी लोग, लेकिन भगवान बुद्ध को गुरु नहीं है। स्वयं खुद मनन करके उत्तम आर्य सत्य को प्राप्त किए, इसलिए उनको कहते हैं सम्मा संबुद्ध। तथागत भगवान बुद्ध की अवबोध, भगवान बुद्ध की ज्ञान कोई छोटा मोटा नहीं है। हम लोगों को दिखाई देते हैं सिर्फ कुछ सीमा तक दुनिया,
ये संसार मतलब हम लोग सोचते हैं पृथ्वी है और कुछ ग्रह है, सौरमंडल है, उससे आगे हम लोग कुछ जानते नहीं हैं। लेकिन भगवान बुद्ध देखे थे उससे भी आगे, इस संसार से भी आगे, सौरमंडल से भी आगे आगे ग्रह के बारे में। भगवान बुद्ध जैसा और भगवान बुद्ध लोग संसार इतिहास में अतीत में थे, लेकिन वो बात कोई नहीं जानते हैं। ये धरती कभी भी बदल जाता है, फिर बन जाता है। ये लोहा धरती के अंदर घुस के कभी भी कार्बन बन जाता है। ऐसे होने के बाद इतिहास खत्म। ऐसे ही जो नहीं जानता है इस दुनिया के बारे में, अपना शिष्य लोगों को भगवान बुद्ध ने बताया। एक दिन आनंद भंते जी को भगवान बुद्ध ने बताया, बहुत कल्प के पहले एक भगवान बुद्ध थे, बहुत पहले, उनका नाम ककुसंद। ककुसंद भगवान बुद्ध को एक शिष्य था, अभिभू। अभिभू भंते जी को दूसरा ग्रह के लोगों के साथ बात कर सकता था। आनंद भंते जी पूछा भगवान बुद्ध जी, वो अभिभू भंते जी को दूसरा ग्रह के लोगों के साथ बात कर पाएंगे तो तथागत भगवान बुद्ध को ये क्षमता कहां तक है? उन्होंने बताया, आनंद, तथागत भगवान बुद्ध की क्षमता लिमिट नहीं कर सकता है, सीमित नहीं है, असीमित है। आनंद भंते जी बताया, तथागत भगवान बुद्ध जी कृपा करके बताइए, मुझे बहुत मन लगता है आपकी वो क्षमता सुनने में। इसके बाद तीन बार पूछने के बाद भगवान बुद्ध ने ये बात बताया। तो आनंद सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये चांद और सूरज से चमकने वाले ये सौरमंडल को कहता है सहस्री लोक धातु। ये सौरमंडल को क्या कहता है? सहस्री लोक धातु। ऐसे ही सहस्री लोक धातु हजार इसी आसमान में है। वो हजार को एक नाम बताया, चूलनिका लोक धातु। सहस्री चूलनिका लोक धातु, सहस्री चूलनिका लोक धातु जैसा और लोक धातु हजार है, उसी को कहता है द्विसहस्री मध्यमा लोक धातु। वो द्विसहस्री मध्यमा लोक धातु जैसा लोक धातु और हजार है, त्रिसहस्री महासहस्री लोक धातु, उतना ही दूर तक। शब्द तरंग के आधार से उपदेश दे सकता है, अगर चाहिए तो उससे भी आगे, उसी ग्रह का लोगों को समझने के लिए धर्म की ज्ञान बता सकते हैं। देखिए भगवान बुद्ध की क्षमता। ये बात भगवान बुद्ध अभी से 2555 साल के पहले, 2600 साल के पहले जो प्राप्त किया हुआ ज्ञान के अनुसार उन्होंने बताया। अभी भी वैज्ञानिक लोगों को यह कुछ भी नहीं खोज पाया, थोड़ा कुछ खोजता है। जो कुछ वैज्ञानिक लोग खोजा वो पहले भगवान बुद्ध बता चुका है। वही चीज भगवान बुद्ध ने बताया, किसी औजार के बिना अपने से, ये मन की आधार से बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। कोई भी मान अगर शरण जाना चाहिए तो परिपूर्ण गुरु को शरण जाना चाहिए। आधा पूर्ण लोगों को शरण जाना कोई जरूरी नहीं है। ये ग्रह के
अलावा सौर मंडल के अलावा दूसरा सौर मंडल के बारे में भी जानकारी होने वाले कोई शास्त्र इस संसार में नहीं है। ऐसा बलशाली शक्तिशाली परिपूर्ण गुण के साथ रहने वाले गुरु को शरण में जाना, गुरु अपनाना बहुत भाग्य की बात है। हम लोग उसी युग में अभी हैं, वैसा गुरु हम लोगों को मिल चुके हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि बोल करके हम लोग जान से ज्ञान से ही उनको शरण जानी है। बिना जान से अज्ञान से बुद्धं शरणं गच्छामि बोलने से कोई मतलब नहीं है। हम लोग को कोई बताया तो उसी मंदिर में जाइए, जा करके पूजा उजा करिए, आपका इच्छा सफल हो जाएगा, उसी जगह पे जाकर के आशीर्वाद ले लीजिए। ऐसे कोई बताया तो हम लोग बहुत लोग जहां पाता है वहां चल जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु के बारे में अगर साफ हम लोग नहीं जानेंगे तो ऐसे होता है। भगवान बुद्ध को शरण में जो नहीं जाता है, आंधा जैसा जहां पाता है वहां चल जाता है। एक आदमी है, वो अंधा है, उसको कोई जगह पे जाना चाहिए, उसको कोई लाठी दे करके कोई दिशा दिखाता है, वहां जाइए, वहां चल जाएगा। और कोई बताया तो नहीं नहीं इधर जाइए, उधर चल जाएगा, नहीं पीछे जाइए, वैसा चल जाइए, वैसा चल जाएगा। वैसे ही है, दृष्टि मन में भर गया तो ऐसा लोगों को जो बोलता है उसी इस रास्ता पे चल जाएगा। उन लोगों के पास ज्ञान नहीं है क्या सही क्या गलत समझने के लिए। इसलिए भगवान बुद्ध को भी शरण जाना चाहिए तो अवबोध से ही शरण जाना चाहिए। अवबोध से शरण गया तो हम लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा। हम लोग का गलत क्या है, सही क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज का ज्ञान हम लोगों को मिल जाएगा। कोई भी आदमी दुकान में जा करके खराब सामान खरीदने में पसंद नहीं है। अगर कोई लकड़ी खरीदने गया तो सडल गडल कोई कीड़ा मकोड़ा जो खाया हुआ लकड़ी कोई खरीदते नहीं है। क्यों? उसी पे बैठ गए तो तुरंत गिर जाएगा, टूट जाएगा। देखते हैं जाकर कितना समय रहेगा, कितना गारंटी है, कितना मजबूत है, कीड़ा खाएगा या नहीं। कपड़ा लेने गया तब भी देखता है कितना समय ये कपड़ा रह से रहेगा, ये सिलाई बिना टूट के कितना समय रहेगा। अगर हम लोग कोई फल सब्जी लेने गया तब भी सडल गडल सब्जी फल खरीदते नहीं है। खाना सामान लेने के लिए इतना ध्यान देना जरूरी है तो कोई धर्म को खोजने के लिए कितना ध्यान देना पड़ेगा। धर्म को अपनाने के लिए बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही ध्यान से ही सत्य गुरु को अपनाना पड़ेगा। ये दिक्कत पूरे संसार के मानव के पास है। अंधे लोग जैसा जहां दिखाता है वहां चल जाते हैं। सत्य समझने का शक्ति बहुत लोगों के पास नहीं है। कोई लोग पसंद नहीं है सामान लेने गया तो खराब सामान खरीदने के लिए, वैसे ही है कोई भी लोग पसंद नहीं है बिना शरण के धर्म को अपनाने के लिए। कोई भी पसंद नहीं है बिना शरण के कोई गुरु को शरण जाने के लिए। इसीलिए
सही धर्म को अपनाने के लिए हम लोग बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। अगर ऐसा दुकान में गया तो दुकानदार लोग कभी कहेगा क्या, मेरा सामान खराब है, मेरा सामान गंदा है, मेरा सामान जल्दी खराब हो जाएगा, मेरा सामान मत खरीद लीजिए, कोई कहेगा? कोई भी दुकानदार नहीं कहेगा। सारे दुकानदार लोग कहेंगे मेरा ही सामान अच्छा है, उससे मत खरीदो, वो उतना घटिया है, उतना अच्छा नहीं है, यही अच्छा है। ऐसा दुकानदार लोग बोलता है, वह सही है। गुरु लोग भी संसार के धर्म के लोग भी वैसे ही हैं। लोग कहता है ये गुरु अच्छा है, ये बहुत ज्ञान वाले हैं, ये सबसे अच्छा है, इसीलिए ये आप लोग अपनाइए, ऐसे कहेगा। इसीलिए हम दूसरों को कहने पर नहीं, स्वयं समझकर, खोजकर, ज्ञान से मनन करके एक अच्छा नेतृत्व को अपनाना चाहिए, अच्छा गुरु को अपनाना चाहिए। मध्यस्थ ज्ञान से सोच करके, किसी पर ज्यादा भारी बिना दे करके, मध्यस्थ मन से दूसरा गुरु लोगों के बारे में देखना चाहिए, खोजना चाहिए। भगवान बुद्ध के जीवन परिशुद्ध हैं। उन्होंने ज्ञान प्राप्त करके 45 साल तक जो बिता हुआ जीवन में एक बूंदा गलती नहीं हुआ। कभी भी उनका शील में कोई कमी नहीं हुआ। 45 साल तक उन्होंने एक शब्द, गारी, खराब शब्द कभी बताया तक नहीं। कभी भी उन्होंने आलतू फालतू बात बताया नहीं। कभी चुगली बताया तक नहीं। 45 साल तक उन्होंने जो बताया गया उपदेश में से हटाने के लिए एक भी शब्द नहीं है। हम लोगों से मिस्टेक हो सकता है, हम लोग को गलती हो सकता है, अरे हमसे ये ऐसा बोलना था लेकिन हम ऐसे बोल दिया, लेकिन ऐसे बोल दिया तो ज़्यादा फायदा होना था तो हमसे नहीं हुआ, हम लोग बाद में पछताते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध की शब्द ऐसा नहीं है, एक भी शब्द उनका नहीं है जो हटाना है। वो विद्याचरण संपन्न है। चरण मतलब जीवन बिताना, विद्या मतलब ज्ञान, ज्ञान से उन्होंने जीवन बिताया। हम लोगों का जीवन में कोई टाइम टेबल है, हम लोग कोई समय से काम करने का कोई आदत है। हम लोग सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, नौकरी करने के लिए जाते हैं या खेती करने के लिए जाते हैं, या कोई ना कोई आलतू फालतू बात बोलते रहते हैं लोग, खाना खाते हैं, टाइम देखते हैं, फिर कहीं घूमते हैं, मेला में घूमते हैं, टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, सीरियल देखते हैं, खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं। ऐसा है लोग, बहुत सारे लोगों का जीवन। इसके बाद उठने का तो और एक दिन, ऐसा जैसा तैसा जीवन बीत जाता है। लेकिन भगवान बुद्ध की टाइम टेबल, भगवान बुद्ध की समय बिताने का तरीका एकदम सुंदर है। उन्होंने सुबह भोरे भोरे 2 बजे उठते हैं, चेहरा धोते हैं, कभी कभी ठंडा पानी पीते होंगे। इसके बाद पूरे संसार को करुणा, महाकरुणा फैलाते हैं, उसको कहते हैं महाकरुणा समापत्ति। महाकरुणा से उन्होंने ध्यान करते हैं। ध्यान से उठने के पहले उन्होंने देखते हैं आज हम किसको मदद करेंगे, ऐसे देख करके निर्णय लेता है, ठीक है हम उसी गांव में जाना पड़ेगा, उसी जगह पे एक आदमी है, वो ज्ञानी है, उसको ये धर्म समझ सकता है, बुद्धिमान है, तो उसको मदद करने के लिए हम जाएंगे। ऐसे करके सुबह उठ के
ध्यान समाधि से उठकर पात्र चीवर लेकर के, उन्होंने खाना बनाने के लिए मेहनत नहीं करते हैं, जो बनाया हुआ घर पे घर घर पे जाते हैं मांगने के लिए, क्योंकि अगर उनको कोई भी खाना थोड़ा दे दिया तो जो भोजन देता है उनका जीवन बहुत कल्याण होता है। कभी कभी उन्होंने एक बात भोजन करते हैं, कभी कभी दो दो तीन घर पे जाकर के जो मिलने वाला भोजन करते हैं, अगर कोई आया तो उसको धर्म बताते हैं, अगर कोई बुद्धिमान मिल गया तो उसी को ये ज्ञान की रास्ता बताते हैं, सुंदर रास्ता बता करके उसको दुख से मुक्त होने का मदद करता है। इसके बाद भगवान बुद्ध भोजन करते हैं, सिर्फ एक दिन में एक बार उन्होंने भोजन करते हैं, सिर्फ एक टाइम। भोजन करने के बाद थोड़ा सा ध्यान करते हैं, फिर शाम के समय में सारे भंते लोगों को उपदेश देते हैं। भंते लोग जो उपदेश मिलता है उसी के अनुसार जीवन बनाया जाता है। भगवान बुद्ध की जीवन एकदम पारिशुद्ध है, उसी पारिशुद्ध जीवन दूसरों को भी दे देता है। बनते लोग उसी प्रकार जीवन बिताते हैं। बनते लोग भगवान बुद्ध जी से उपदेश लेता है रात तक, 10 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक भगवान बुद्ध जी से मिलने के लिए दिव्य लोक से, ब्रह्म लोक से देवता तथा ब्रह्म आ जाते हैं। आने के बाद देवता तथा ब्रह्म को भगवान बुद्ध उपदेश देता है 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक, 2 घंटा। 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक तथागत भगवान बुद्ध सो जाते हैं, 2 घंटा सिर्फ सो जाते हैं। 45 साल तक संबुद्ध जीवन में उन्होंने ऐसे ही जीवन बिताया, ऐसा सुंदर टाइम टेबल उनके पास था। लेकिन मनुष्यों का टाइम टेबल ऐसा नहीं है। एक दिन श्रावस्ती में एक नदी का मछली मारते मारते रहते थे 500 लड़कन लोग, एक सुंदर मछली मिला, सोने का रंग है, इतना ही सुंदर है कि सारे लड़का लोग वो मछली लेकर के राजा को दिखाया एक टैंकी में डाल के। राजा ने सोचा, हम तो ये मछली के बारे कुछ जानते नहीं, भगवान बुद्ध सब चीज के बारे में जानते हैं, लेके चलो भगवान बुद्ध जी के पास। जेतवन आश्रम में भगवान बुद्ध थे। भगवान बुद्ध के पास ले जाने के बाद, भगवान बुद्ध आने के पहले वो मछली ऊपर आकर के मुंह खोल के हवा निकाल दिया मुंह से, उसी हवा से पूरा आसपास हर जगह गमकने लगा। राजा इत्यादि लोग और कमाल हो गया, इतना ही सुंदर मछली का मुंह इतना ही गमकता है। भगवान बुद्ध आ गया, आने के बाद भगवान बुद्ध को पूरा बात बता दिए। भगवान बुद्ध पूछ रहे थे लोगों से, मैं ये मछली को बात करवाऊंगा आप लोग के सामने मेरा बल से। राजा बताए, जी भगवान बुद्ध जी बात करवाई ना, हम लोग सुनेंगे। भगवान बुद्ध अपना रिद्धि से मछली के साथ बात करने लगा, मछली बात किया, पूछा, मछली तुम पिछले जन्म में कहाँ थे? बताया, मनुष्य लोक में। क्या किया? चीवर पहन के साधु संत का जीवन बिताया। क्या नाम था? मेरा नाम था कपिल। परिवार में और कौन थे? माँ थी, उनका नाम साधना, तापना नाम का एक बहन थी और शोधन नाम का एक भैया था। हाँ, पूरा परिवार साधु संत बन गए, भंते बन गए, चीवर पहन लिए। अभी उन लोग कहाँ हैं? माँ एवं बहन
नरक में, किस लिए? हे भगवान बुद्ध जी, हम लोग बहुत पाप किए। उस समय थे सीलवान गुणवान भंते लोगों से हम लोग जलन किए। माँ बहन और मैं तीनों मिल करके उन लोग को डांटा, गार दिया, उन लोग को बहुत खराब खराब शब्द बोल दिया। हम लोग शरीर से सिर्फ अच्छा दिखाया, इसीलिए माँ और बहन मरने के बाद नरक में चल गया। तो भैया को क्या हुआ? भैया शरीर से सिर्फ नहीं, मन से भी चीवर पहना हुआ है। वो अच्छा आचरण पे आकर के सील पालन करके निर्वाण को प्राप्त किया। तो तुमको क्या हो गया मछली? भगवान बुद्ध जी, ये मेरा जान और जन्म खत्म होने के बाद, ये तिर्यक जन्म के बाद सीधा मैं भी नरक में जाने वाला हूँ, ऐसे करके अफसोस होते हुए ऊपर जाके खुद गया। फिर मछली टैंकी में शरीर लग गया, वो मर गया। भगवान बुद्ध बताया अभी नरक में चल गया है। देखिए, दूसरा किसी को ये बात निकल सकता है क्या? हम लोग आजकल ऐसा मछली मिल गया तो बताएगा, बहुत सुंदर मछली, लगता है बहुत पुण्य किया है, ऐसा करके लोग सोचेगा। हम लोग सिर्फ उसका रंग, शरीर का विशालता सिर्फ देख सकते हैं। लोक विदु मतलब सारे लोगों के बारे में जानते हैं। तिर्यक लोग, तिर्यक मतलब जानवर पशु पक्षी, प्रेत भूत लोग और नरक, दिव्य ब्रह्मलोक इत्यादि सारे लोकों के बारे में जानते हैं। कैसे ये लोक बन जाता है, कैसे ये लोक होता है, कैसे लोक से मुक्त हो सकता है, ये सारे कारण के बारे में भगवान बुद्ध संपूर्ण रूप से जान गया, इसलिए उनको कहते हैं लोक विदु। और भगवान बुद्ध को कहते हैं अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी। भगवान बुद्ध अच्छा सिस्टम से ये संसार के लोग सुधार किए हैं। मानव और एक मानव को सुधारने के लिए लकड़ी या औजार इस्तेमाल करते हैं। कोई कोई लोग अपना जो पढ़ाई किया उसी ज्ञान इस्तेमाल करता है। ये सारी चीजों में से दूसरों को सुधारने के लिए हिंसा पीड़ा करना पड़ेगा, पाप करना पड़ेगा, लेकिन भगवान बुद्ध इस संसार के लोग सुधार किए बिना औजार से, एक कौड़ी पैसा इस्तेमाल नहीं किया। गृहस्थ जीवन उन्होंने त्याग किया, सारे धन सब कुछ त्याग किया। उनको उनके पास बहुत बड़ा बल था, वो सारे बल ध्यान के कारण ही बन गया है। उनको कभी भी चाहे तो आसमान से जा सकते थे, दूसरों को मदद करने के लिए कभी कभी उन्होंने आसमान से गया, कभी कभी उन्होंने पृथ्वी के अंदर से गया। कोई कोई कारण उनके जीवन के साथ हैं, उन्होंने कभी कभी पानी में कभी कभी नाव नहीं होने के कारण नदी पार किया, घूम के एक जगह से और एक जगह तुरंत छन होके जा सकता था। अंगुलीमाल को भी भगवान बुद्ध ऐसा एक रिद्धि दिखाया, अंगुलीमाल दौड़ के जाता है लेकिन भगवान बुद्ध शांति से रहता है, धीरे धीरे जाता है, फिर भी अंगुलीमाल को नहीं पकड़ा पाएगा। वो भगवान बुद्ध की रिद्धि प्रातिहार है। उनके पास और एक क्षमता था। एक दिन तथागत भगवान बुद्ध एक आश्रम में गया। उसी आश्रम में जो थे एक ऋषि जी, ऐसा सोचा काल बहुत बड़ा एक यज्ञ है, अगर ये श्रवण गौतम भगवान बुद्ध जी काल भी आ गया तो सभी लोग इनके ऊपर प्रसन्न हो जाए, मुझ पर नहीं, इसीलिए काल आश्रम में नहीं आया तो अच्छा है, ऐसे सोचा।
इसके बाद भगवान बुद्ध उसका मान देखे उस दूसरे दिन नहीं आया। तीसरे दिन आने के बाद तो ऋषि जी बताया, आप कल क्यों नहीं आए थे, हम बहुत इंतजार किए थे। भगवान बुद्ध बताए, मैं कैसे आऊं, आप ऐसा ऐसा सोचा है। इसी प्रकार दूसरों को मन देख सकता है, उसी को कहता है आदेशना प्रातिहार है। इसके बाद और एक प्रातिहार है, अनुशासना प्रातिहार है। दूसरों कुमार्ग से सुमार्ग तक, कुमार्ग को मिटा के सुमार्ग तक चलाने का रास्ता उन्होंने उपदेश से बता दिया। पापी लोग पुण्यवान को बना दिया, दुस्सी लोगों को शीलवान बना दिया। जिसके पास समाधि नहीं है वे लोगों को समाधि बना दिया। अहंकार घमंड लोगों का अहंकार घमंड को मिटा दिया। इसी प्रकार जो गलत रास्ता पे जाता है, जो फंसे हुए हैं, अहंकार घमंड है, जो पापी हैं, वे सभी लोगों को अनुशासन से उन्होंने सुधार किया। इसीलिए उनको कहता है अनुत्तरो पुरुष दम सारथी। ये हमारे शास्त्र ऐसे ही हैं, बहुत बलवान हैं। भगवान बुद्ध इसी प्रकार अनुशासन किए थे देवता तथा मानव को, ब्रह्म को। लोग सोचते हैं भगवान बुद्ध मानव को उपदेश दिए हैं, ऐसा नहीं। भगवान बुद्ध देवता तथा मानव, देव ब्रह्म मानव सभी लोगों को उपदेश दिए हैं, सभी लोगों के गुरु हैं। सिर्फ भगवान बुद्ध देव ब्रह्म मान सबका गुरु है, इसलिए उनको कहते हैं सत्ता देव मनुष्यान, देव मानव का गुरु। ब्रह्म भी देव गण में है। इसके बाद उनको बुद्ध कहते हैं। बुद्ध मतलब जो अवबोध करना चाहिए वो सारे ज्ञान उन्होंने अवबोध किया, लेकिन वो ज्ञान बिना नुके हुए सभी लोगों को बता दिया, अपने लिए कोई रखा नहीं। जिस प्रकार से सभी लोगों को ज्ञान चाहिए उसी प्रकार से उन्होंने ज्ञान दूसरों को दे दिया। इसीलिए ये गुण के साथ भगवान बुद्ध को कहते हैं बुद्ध है। ऐसा जीवन, ऐसा महाकरुणा, ऐसा ज्ञान और किसी के पास नहीं है, ये भाग्य की बात है। इसीलिए उनको कहते हैं भगवा, भगवान मतलब भगवान बुद्ध के शब्द है। भगवान बुद्ध को ही भगवान कहते हैं, क्योंकि उतना ही भगवा और कोई नहीं है संसार में, ना कोई देवता, ना कोई ब्रह्म, ना कोई मानव। आप अगर दूसरा धर्म में हैं तो बहुत सारे लोग सोचते हैं हम लोग परंपरा से इसी धर्म में हैं, इसी रास्ता पे, इसलिए हम लोग नहीं छोड़ेंगे। ऐसे सोच के बहुत सारे लोग मिथ्या रास्ता पे ही रहते हैं, मिथ्या रास्ता पे जीवन बिता के मिथ्या रास्ता पे मर जाते हैं। वे लोगों का जीवन कभी धन्य नहीं होगा। एक उदाहरण है, अगर कोई आदमी लंगड़ा होके कोई लकड़ी के आधार से जाएगा तो उसका बेटा भी सोचेगा मेरे पापा लकड़ी लेके जाते हैं, हम भी लेके जाएंगे लकड़ी के आधार से। पैर अच्छा है लेकिन पापा का आदत रखना चाहिए। इसके बाद उसका पोता लोग, सभी लोग, पूरा परंपरा के लोग सोचेगा तो हम भी लकड़ी के आधार से जाएंगे, ये परंपरा का नियम है। ऐसा नहीं, अगर बुद्धिमान है तो लकड़ी छोड़ दिया तो आराम से घूम के जा सकता है। वैसे ही है, कोई भी धर्म में हो सकता है, चाहे मुस्लिम, चाहे हिंदू, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे जैन, कोई भी हो सकता है। सत्य की रास्ता पे आने के लिए बुद्धि है तो आना चाहिए। अगर आ गया तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। उसके लिए आपको सिर्फ बुद्धि चाहिए। सत्य रास्ता खोजने का क्षमता आपके पास होनी चाहिए। ध्यान से खोज के, ध्यान से समझ के, कारण समझ करके
आप सही रास्ता को खोज के उसी रास्ता को अपनाने का शक्ति आपके पास होना चाहिए। हर एक चीज हम लोग अच्छी तरह से खोजते हैं। शादी करने गया तो लड़का कैसा है, लड़की कैसा है, सुंदर है या पढ़ाई लिखाई है, सब देखते हैं। वैसा हम लोग अच्छी तरह से धर्म भी खोजना चाहिए। अगर कोई कहेगा तो हम सारे धर्म को विश्वास करते हैं, इसका मतलब उसका जीवन पूरा मिथ्या पे है, मिथ्या विश्वास पे है। सत्य धर्म को खोज करके सत्य धर्म को अपनाने का शक्ति बुद्धिमान आपके पास होनी चाहिए। भगवान बुद्ध की उपदेश 18,000 है, उनका 18,000 आप पढ़ लीजिए, आप कमाल हो जाएंगे। लेकिन कोई भगवान बुद्ध की रास्ता अपनाने पर पारिशुद्ध नहीं होता है। भगवान बुद्ध जो बताया गया आचरण, उसी आचरण के अनुसार जीवन बिताना पड़ेगा। घर के लिए कोई खाना लाया तो, कोई सामान लेके आया तो हम लोग चेक करते हैं ये कितना अच्छा है, ये सस्ता वाला लाया या खराब वाला लाया, महंगा वाला लाया, ऐसे करके खान पान के बारे में बात ही चलता है। फिर भी ये खान पान 2-3 दिन रहेगा, इसके बाद खत्म। कुछ दिन तक सामान रहेगा, खत्म। लेकिन धर्म जीवन भर रहता है। अगर गलत धर्म पकड़ लिया तो जीवन भर वो गलत रास्ता पे है, मिथ्या रास्ता पे है। इसलिए जीवन भर जो कुछ लेना है तो सही चीज लेना चाहिए, तभी तो उनका जीवन सही हो जाता है। हाँ, इस संसार में बहुत सारे गुरु लोग हैं, कई प्रकार से चमत्कार दिखाने वाले हैं, कई प्रकार के उपदेश देने वाले हैं, कई प्रकार से अपना शक्ति से दूसरों को फंसाने वाले हैं। लेकिन हम लोग बाहर से कोई गुरु को पसंद हो गया तो बाहर शरीर देख करके, बाहर उनका चेहरा आग देख करके पसंद हो गया तो हम लोगों का अज्ञान की बात है। हम लोग उनका जीवन के बारे में, उनका गुण के बारे में, उनका उपदेश के बारे में ध्यान दे करके ही सही गुरु को अपनाना चाहिए। भगवान बुद्ध के जीवन को देखिए, भगवान बुद्ध का भी चप्पल नहीं पहना, 2 चीवर जीवन भर उन्होंने इस्तेमाल किया। सामान्य दुनिया में थे, वो देवता को तथा मानव को उपदेश दे दिया, लेकिन उन्होंने कभी कभी जंगल में सोए, दूसरों का घर घर जाकर के भोजन लिए, उन्होंने दूसरों से सेवा लेने के लिए कोशिश नहीं किया, दूसरों को उन्होंने एक टारगेट दे दिया दुख से मुक्त होने का। कितना ही करुणा उनका दिल में है। महाराजा, राजाओं, देवता, ब्रह्म, मानव, अमीर गरीब सभी लोग उनके शरण में गए, फिर भी भगवान बुद्ध के मन में अहंकार गमन नहीं आया। धूप में उन्होंने सूख गया, बारिश में भींग गया, फिर भी उनको शक्ति था आसमान से जाने का, उनको शक्ति था महल बनाने का, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा अपना शक्ति से कोई भी अपना फायदा के लिए काम नहीं किया, दूसरों का ही कल्याण के लिए काम किया। आश्चर्य जीवन भगवान बुद्ध बिताए हैं। आप देखिए, उनका उपदेश पढ़ लीजिए, उनका जीवन को देखिए, आप कमाल हो जाएंगे। इसी प्रकार पारिशुद्ध कारण से जो शुद्ध हो गए, ऐसा गुरु संसार में और है ही नहीं है। इसलिए सही नेतृत्व आप लोग स्वीकार करिए, सही नेतृत्व में आकर के आप लोग सही गुरु को अपनाइए। नमो बुद्धाय।